केशव मजे हुए इन्वेस्टर हैं। मजबूत फंडामेंटल वाली ब्लू चिप कंपनियों पर लंबे वक्त के लिए दांव लगाते हैं। केशव की कोशिश सस्ते दाम पर शेयरों की खरीदारी करने की होती है। अब जैसे पिछले साल दिसंबर में उन्होंने टाइटन के शेयर 2240 के लेवल पर खरीद मारे। टाइटन के फंडामेंटल्स पर केशव को तगड़ा भरोसा था। फिर बिग बुल राकेश झुंझुनवाला ने भी तो टाइटन में बड़ा स्टेक ले रखा है। अब निवेशक आधे निश्चिंत तो इसी बात से हो जाते हैं कि झुंझुनवाला का पैसा कंपनी में लगा हुआ है। खैर, टाइटन के पिछले रिकॉर्ड दमदार थे और आगे भी यहाँ बढ़िया माल कूटने की उम्मीद केशव को थी। लेकिन टाइटन की चौथी तिमाही के नतीजों ने केशव और उनके जैसे दूसरे निवेशकों के मन में एक आशंका पैदा कर दी। आशंका ये कि क्या वाकई अब टाइटन पहले जैसी कमाई करा पाएगी या नहीं। तो इस वीडियो में हम टाइटन का ही पूरा हिसाब किताब आपको समझाएंगे। जिन्हें कंपनी के बारे में ज्यादा पता नहीं है उन्हें बता दें कि टाइटन की नींव 1984 में पड़ी थी। ये टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी TIDCO का जॉइंट वेंचर है। इसमें टाटा करीब 25% और TIDCO का 28% स्टेक है। अब बात करते हैं कारोबार की। मोटे तौर पर कंपनी 4 सेगमेंट्स में कारोबार करती है। इनमें ज्वेलरी, घड़ियां, आई केयर और अन्य सेगमेंट शामिल है। ब्रांडेड ज्वेलरी और घड़ियों के सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर है। खैर, आगे बढ़ते हैं और लौटते हैं इसके शेयर्स पर। तो हुआ ये है कि कोरोना की मार के बाद अभी चीजें संभलना शुरू ही हुई थी कि तब तक रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ गया। उथल पुथल के माहौल में लोग बाजार छोड़ सोने की तरफ भागने लगे। 8 मार्च को तो सोने के दाम $2,070 के रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंच गए थे। सोने में तेजी से टाइटन के शेयरों की चांदी हो गई। 21 मार्च को स्टॉक 2,768 रुपए के 52 हफ्ते के हाई पर पहुंच गया। पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पिछले 23 साल में टाइटन ने 650 गुने से ज्यादा माल कमाकर निवेशकों को दिया है। केशव भी इसी वजह से इसमें टिके हुए हैं। लेकिन जब सोना आसमान पर पहुंचा तो लोग सोने से भी दूर होने लगे। ज्वेलरी की खरीद घटने लगी। इससे चौथी तिमाही के नतीजे गड़बड़ा गए। इसकी बड़ी वजह ये रही कि कंपनी की कमाई का 90% हिस्सा ज्वेलरी सेगमेंट से ही आता है। चौथी तिमाही में खराब प्रदर्शन और विदेशियों की बिकवाली के चलते शेयर एक वक्त 2000 रुपए के नीचे भी फिसल गया था। अभी यह 52 हफ्ते की ऊंचाई से करीब 26% नीचे है। Q4 के कमजोर नतीजों और शेयर 2000 रुपए के नीचे फिसलता देख केशव का भरोसा भी हिल गया। लेकिन क्या केशव को टाइटन से निकल जाना चाहिए? एक्सपर्ट कहते हैं कि अभी इस शेयर को बेचना सही रणनीति नहीं होगी, क्योंकि हाल की गिरावट के बाद ब्रोकर इस शेयर को लेकर बुलिश हैं। इन्हें उम्मीद है कि टाइटन का शेयर 3000 रुपए तक जा सकता है, यानी इसमें 50% तक की तेजी आ सकती है। लेकिन अब बात ये आती है कि ब्रोकर आखिर टाइटन पर इतना बुलिश क्यों हैं? तो इसके पीछे 5 मोटी वजहें हैं। एक तो ये कि महंगाई का अमीर ग्राहकों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा, प्रीमियम कैटेगरी में मजबूत डिमांड से मीडियम टर्म में कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहने की उम्मीद ब्रोकर्स को है। इन सब के बावजूद शेयर की वैल्यूएशन 5 साल के औसत के करीब है। चौथा, ज्वेलरी इंडस्ट्री काफी तेजी से संगठित हो रही है। सरकार ने हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है। और पांचवी वजह यह है कि ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी का करीब 6% ही मार्केट शेयर है, यानी कि ग्रोथ की अपार संभावना है। कंपनी की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही लोगों ने ज्वेलरी खरीद को टाल दिया, पर कंपनी ने अपने मार्जिन के साथ समझौता नहीं किया। टाइटन के कामकाजी मार्जिन प्री कोविड स्तर के पार निकल गए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि केशव के लिए अभी टाइटन के शेयर को बेचना समझदारी नहीं होगी। साथ ही अन्य निवेशकों के लिए भी राय है कि अगर और पूंजी है तो लंबी अवधि के नजरिए से शेयर में नीचे के भाव पर एवरेजिंग भी की जा सकती है।